सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बगल में प्रेस करें बेल आइकन बटन को लेटेस्ट वीडियो के लिए। नमस्कार, आज मैं आपको कार्तिक मास के छठे दिन की कथा सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सूत जी, आपने यहाँ तक की कथा हमें सुनाई कि भगवान विष्णु जालंधर से युद्ध करने के लिए चले, उससे आगे क्या हुआ आप कृपा करके हमें बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि ऋषियों, जो देव ऋषि नारद ने राजा पृथु को सुनाया था वह मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। भगवान विष्णु जैसे ही युद्ध करने के लिए जाने लगे तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बाजू को पकड़ लिया और कहा कि हे स्वामी, जालंधर मेरा भाई है, क्योंकि वह समुद्र से पैदा हुआ था और समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी का भी दोबारा जो समुद्र से उत्पत्ति हुई थी, तो समुद्र भी माता लक्ष्मी का पिता है और जालंधर का पिता था, इस रिश्ते से वह भाई लगा। आप मेरे भाई को ना मारिएगा, अगर आपको युद्ध करना तो युद्ध करें, लेकिन मेरे भाई का कोई अहित नहीं होना चाहिए। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर के जालंधर से युद्ध करने के लिए गए। भगवान विष्णु का और जालंधर का बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि चारों ओर अंधकार हो गया, हाहाकार मचने लगा। बाणों से बाणों का, फरसे से फरसों का, गदा से गदाए का, तीर से तीर का, चारों तरफ अस्त्र ही अस्त्र दिखाई देने लगे। काफ़ी समय युद्ध होने के बाद में भगवान विष्णु का और जालंधर का मल्लयुद्ध होने लगा। यह मल्लयुद्ध बड़ा लंबा चला। तभी माता लक्ष्मी का वचन याद करके भगवान विष्णु ने जालंधर से बोला कि हे जालंधर, तुम मारने योग्य नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता, तुम मेरी पत्नी यानी लक्ष्मी के भाई हो, इस नाते से आप हमारे साले हुए, आप वीर हो, आप जो वरदान मांगना चाहते हो वो मांग सकते हो। जालंधर ने हाथ जोड़ के भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो सभी देवता और मेरी दीदी के सहित आप मेरे घर में निवास करें, मेरे राज्य में निवास करें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा। जालंधर बड़ा खुश हुआ। जालंधर अपनी सभा में पहुंचा, वहां पर सभी देवता भगवान विष्णु के साथ आकर के विराजित हुए। यह देखकर के इंद्र बड़ा चिंतित हुआ। सभी देवता भगवान शिव जी के पास गए और उन्होंने सभी वृतांत कहा। उन्होंने कहा कि हे भगवान, भगवान विष्णु तो जालंधर से प्रसन्न होकर के उनको वर देकर के उनकी सभा में जाकर के बैठ गए हैं, हमें भी उनके साथ वहाँ पर रहना पड़ रहा है, आप कैसे भी युक्ति निकाल कर जालंधर का वध कीजिए। भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु से अंतर्मन से बात की। भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो वचनों में बंधा हुआ हूँ, आपके द्वारा ही इसका वध हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि जिसने के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है वही इसका वध करेगा। इधर जालंधर युद्ध के लिए तैयार हुआ, उधर भगवान शिव जी देवताओं की रक्षा के लिए युद्ध के लिए आए और माँ भयंकर युद्ध होने लगा। लेकिन उसकी पत्नी के प्रभाव से, यानी वृंदा बड़ी पतिव्रता थी, उसके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जालंधर पर कवच बना हुआ था वह अबद्ध था। भगवान शिव जी ने बड़ा यत्न किया लेकिन जालंधर का वध नहीं हुआ। तब भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट कीजिए। भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए और वृंदा के सुंदर रूप को देख करके वह मोहित हो गए। भगवान तो दुनिया को मोहित करने वाले हैं, लेकिन ये भगवान विष्णु की लीला थी। उधर जो वृंदा अपने पति को सकुशल देख करके, यानी जो भगवान विष्णु जालंधर रूप धारण करके गए थे, उसे देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और वह पतिव्रत धर्म का पालन करने लगी। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, उधर जो जालंधर की मृत्यु हो गई। उसका कटा हुआ सिर वृंदा के सामने आके गिरा। वृंदा ने देखा कि जालंधर तो मेरे सामने, ये किसका सिर है। वृंदा ने उसको छलिए
जो कपट वेश धर के आए हुए थे उनसे पूछा कि आप कौन हैं। भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए। वृंदा ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान, मैं तो आपकी अनन्य भक्त थी, आपकी पूजा करती थी, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान विष्णु ने कहा कि हे वृंदे, ये समय की मांग थी। इधर वृंदा कुपित होकर के भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाइए, क्योंकि आप भक्तों की भावना नहीं समझते, आप पत्थर दिल हैं, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पत्थर के हो जाइए। इतना सुनकर के माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया और माता लक्ष्मी वहाँ पर आ गई और उसने वृंदा को श्राप दिया कि तूने मेरे पति को पत्थर होने का श्राप दिया, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जा। भगवान सालग्राम हो गए, वृंदा को वृक्ष होने का श्राप मिला, वह तुलसी रूप में परिवर्तित हो गई। इधर जो है भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी आए, उन्होंने जो है वृंदा को वरदान दिया कि हे वृंदे, आज के बाद भगवान का भोग तेरे बिना नहीं लगेगा, तू भगवान की विष्णु की सहभागिनी होगी, पत्नी के रूप में मानी जाएगी, और आज के बाद जो भी भक्त कार्तिक मास में तुलसी दल सालग्राम जी पर चढ़ाएंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। आज से हम सभी वरदान देते हैं कि तुमको जो है देवी के रूप में पूजा जाएगा और तुम्हारी पूजा के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाएगी। हे सौनक ऋषियों, तभी से यह तुलसी महत्व चला, माता तुलसी की पूजा का महत्व तभी से प्रारंभ हुआ। अगले सातवें दिन की कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कथा मैंने जो है विस्तार से कही, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट मैंने बीच में लिया क्योंकि कथा लंबी हो जाती। अगली कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम तुलसी नमः जरूर लिखें। नमस्कार।